A very, very warm good evening, my dear children. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedanta Biotronic, I welcome you all to one more mega episode of the Quiztopedia series. The Quiztopedia is off by and for the grades of class 11. After every single chapter, we give you a time to read on Saturday and Sunday, and Monday is a mega dhamaal quiz. So good evening and welcome to my quizzing session called Quiztopedia on invertebrates of the animal kingdom. Ye bata dijiye mere pyare bachcho, padh ke aaye hain? Have you all prepared well and come for today's class? I think yes, because my trust on my wee Biotonians is unbreakable, unshakable. And I know aap log bhi is trust ko nahi todenge, to padhkar to aaye hi honge. Yes ma'am? Very good. So guys, with this trust, I hope you love, like and really, really look forward to our sessions. तो अगर ऐसा है, एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा अपने फेवरेट चैनल वेदांत बायोटॉनिक के लिए. Yes, पक्का प्रॉमिस. Tomorrow 10th results are going to be out, is it? अरे वाह, तो टॉपर्स की लिस्ट शुरू होने वाली है मेरे प्यारे री बायोटोनियंस. Lovely. चलो शुरू करते हैं एपिसोड 11 क्विस्टोपीडिया फॉर इनवर्टिब्रेट्स. फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर जॉइनिंग आवर चैनल नाउ, आई मेड अ स्मॉल वीडियो जिसको मैंने राइट ऑन टॉप ऑफ आवर चैनल रखा है, व्हिच इज कॉल्ड द चैनल टूर. आई नो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यू आर जॉइनिंग आवर चैनल एवरी सिंगल डे. सो दिस इज डॉक्टर वानी एंड आई वेलकम यू टू आवर सुपर डुपर अमेजिंग फैमिली चैनल फॉर बायोलॉजी. Every day we meet at 5 o'clock in the evening for class 11, 9 o'clock in the evening for a class 12 session, and 8 o'clock and 10 o'clock in the morning for board and NEET. Yes, तो ये 11th board and NEET की class शुरू होने वाली है. और शाम को जैसे मैंने आपको बोला, I'll meet you at 9 o'clock for a mega, mega, mega test on principles of inheritance and variation. और क्लास 11th वाले बच्चों, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ बिग सरप्राइज कमिंग योर वे, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है आपको अभी से डॉक्टर वाली फील देने का. तो वो क्या फील है आपको थोड़े दिनों में पता चलने वाला है. ये क्या है, कल 12 बजे वी आर गोइंग टू बी लॉन्चिंग समथिंग सुपर अमेजिंग, सुपर डुपर अमेजिंग. लेट्स ड्रॉ इट करके कुछ बहुत अमेजिंग शुरू होने वाला है. दैट इज टुमारो, स्टे ट्यून्ड. मैं आपको फीलिंग दिखाना चाहती हूं लेट्स ड्रॉ इट की. मुझे पता है आप लोगों ने देख लिया होगा, बट फिर भी हो सकता है कुछ ब्रांड न्यू बच्चे हैं जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने लेट्स ड्रॉ इट नहीं देखा. तो उनके लिए प्रेजेंटिंग बिफोर यू. बच्चा कंफ्यूजन से मरा जा रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ ही नहीं रहा है. सो किड्स, आर यू फीलिंग लाइक दिस और आर यू गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम्स? वेदांत बायोटॉनिक ऑलवेज हैज योर बैक. वी आर गोइंग टू यू द ब्रांड न्यू लेट्स ड्रॉ इट. In this series, we will make these amazing diagrams and make sure all the concepts go right into your head. Stay tuned. Yay! Let's draw it. So let's draw it is coming tomorrow. और दिस इज लाइव फ्रॉम अ बोटानिकल गार्डन, जो बहुत पहले मैं कभी किसी बोटानिकल गार्डन गई होंगी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए. यस, सून विटनेसिंग वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स ऑफ माय मॉर्फोलॉजी व्हिच इज एवर टेकन ऑन एनी मीडियम, बी इट ऑफलाइन और ऑनलाइन. ये हमने लिया था पहले. यस एवरीबॉडी, उसको रोक दी. मैंने कहा ये क्या हुआ, ये पीछे से एक और वाली कहां से बोल पड़ी. चलिए तो शुरू करते हैं आज का सुपर डुपर अमेजिंग सेशन. गाइस, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर नीट, फॉर 12th एंड फॉर 11th इज नथिंग बट वी बायोटॉनिक. और मुझे आपको पता है दैट यू विल ऑल्सो बिलीव. बच्चों, वी स्टार्टेड विद दिस चैनल नॉट फॉर सब्सक्राइबर्स, नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर लाइक्स, नॉट फॉर एनीथिंग. फॉर वन थिंग, that you are an Indian and I am an Indian, and together we can change how this country functions. How can we change this big country which is close to 1.2 billion people strong? How? Simple thing, education. Only one thing. You don't have to do big things, you don't even have to talk big things. You just need one thing to change her, to bring her, you know, on top of the world, and that is education. That's it. And for that,
we have a simple thing. I personally do a simple thing. Take 5-6 lectures a day. Yes, take them for free. Try to believe that with one lecture, one thing, somebody will learn something new. Somewhere, some child will learn, will gain, and something beautiful will happen. That's all. That's the whole philosophy behind it. Make sure you like, make sure you share, make sure you subscribe to our channel, because we are in it together. Because if you and me work together, only then your dream, my dream of making India great will truly take place. That's the core philosophy of We Biotonic. Bio to bahut padhate hai yaar, hum to desh badalne chale hai, bahut amazing kaam karne chale hai. Yes everybody, chaliye aage badhte. These are the students whose life I had the good fortune of changing. Aur dekhiye aaj koi AIIMS mein, AIIMS Rishikesh mein, AIIMS Bhopal mein baitha, and I hope we can do the same miracle with your life. Ek pyara sa chota sa channel hai hamara, नाम है वेदांतु _ बायोटॉनिक. आपके प्यार ने 45,000 मेंबर स्ट्रॉन्ग बना दिया है. कीप द लव कमिंग. यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस, यू वांट टू नो डेली क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स, इंटरैक्शंस, डिस्कशंस, पोल्स, जॉइन दिस चैनल. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर जस्ट ₹1. यस, यू गॉट इट राइट. फॉर जस्ट ₹1 वी हैव द माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल टू यू, बिकॉज नीट एग्जाम पास आ रहा है तो वो देख लीजिएगा. और चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्विजिंग सेशन. आ जाइए बच्चों, एग्जिट करते हैं फुल स्क्रीन पे, क्विज पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, फुल स्क्रीन करते हैं. कोड मैं आपको बता देती हूं. यस एवरीबॉडी, यू रिमेंबर सुमलेखा, सो स्वीट. तो ये रहा हमारा menti.com पे गए हम लोग, और menti.com पे जाके 790664. अरे वाह, आप लोग तो मुझसे भी स्पीड में काम करते हैं. ये रहा, एंड अभी मुझे मेरा आइकन मिलने वाला है, एंड मिल गया बोटी मैकबोट फेस. डन. चलिए, सो जानवी, दिव्या, सुभालेखा, एवरीबॉडी आ जाइए. दर्शनी नहीं बेटा, आप टाइम आउट में नहीं है बेटा. चलिए आ जाइए एवरीबॉडी. इनवर्टिब्रेट्स पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल किंगडम का क्विज होने वाला है. एवरीबॉडी, आई वांट टू सी यू देयर. थैंक यू प्रीति. कोड है बच्चों 790664, 790664. और मैं तो ये सच में कहती हूँ कि बहुत लोग बायो पढ़ाते होंगे, शायद वो पढ़ाना भी मेरा काम नहीं है. बच्चों बायो तो मैं पढ़ाती हूँ, अच्छा पढ़ाती हूँ, बुरा पढ़ाती हूँ ये आप देखेंगे, पर एक बहुत डिफरेंट चीज करना मेरा काम है, वो है हर एक उस जगह पे बच्चे को पढ़ाना जहां शायद बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकता, जहां शायद बच्चा इतने पैसे नहीं खर्च सकता कि कुछ करे, उस बच्चे को पढ़ाना. दैट इज द एम ऑफ वी बायोटॉनिक. यस, इस मतलब इतना अच्छा पढ़ा देना कि बच्चे को लगे ही ना यार कि और कहीं जाना है, कुछ करना है. इसीलिए हम आपके पास हैं इस चैनल को लेकर. बस आप टेंशन मत लो, हम आपको बहुत प्यार से सब कुछ घोट घोट के बढ़िया से पिला देंगे. यस एवरीबॉडी, तस्वीर गौरव. चलिए स्टार्टिंग विद 5, 4, 3, 2. यस एवरीबॉडी, चलो लेट्स स्टार्ट. गुजरात बोर्ड का रिजल्ट है. ऑल द बेस्ट बच्चों, यू विल डू वेल एवरीबॉडी. स्टार्टिंग. क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. क्विज ऑन मंडे, आपको पता है एवरी मंडे इज क्विज मंडे. ट्राइपेंसोमा गैम्ब्यूनीज, नॉक्टिल्यूका, मोनोसिस्टिस कैरेनाई, गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, बताइए मुझे. नीट लेवल का क्वेश्चन है. व्हाट आर ऑल ऑफ दीज, क्या सारे पैरासाइट्स है? आर दे यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट? दे हैव फ्लैजेला, दे हैव स्पोर्स. विद द फर्स्ट क्लास आई शोड यू दिस. ट्राइपेंसोमा गैम्बिनीज, नॉक्टिल्यूका जो बायोलुमिनेसेंस करता है, मोनोसिस्टिस गियार्डिया. फर्स्ट क्लास आई डिस्कस दिस. वेरी गुड क्वेश्चन. नो बेटा, नो माय डियर किड्स, दिस इज नॉट अ पैरासाइट. बाकी सारे पैरासाइट है, दिस इज नॉट अ पैरासाइट. नो, दे ऑल डोंट हैव फ्लैजेला. नो, दे प्रोड्यूस स्पोर्स, नॉट नेसेसरली. दे आर ऑल यूनिसेल्यूलर प्रोटिस्टा.
African sleeping sickness. African sleeping will have a double D, sickness. Correct, everybody? Grand old man of intestine, it causes intestinal disorders. Grand old man of intestine. Right, M. carinae. It causes a type of pneumonia. Does not have flagella. Right, everybody, causes bioluminescence, glows in the dark, bioluminescence. They're all unicellular protists. It's a very good question. Please think before you ink. Plus four, minus one. Yes, Keshav, chaliye. Right, mock test ka result aapko kal tak mil jayega, bachcho. We are still analyzing it. Thank you, Aastha. Pungalu, bioluminescence karta hai, hanji. Which of the following is a matching set of phylum and its three examples? You know this question. You know this question. We've done it before. Phylum and a set of three examples. You know this question. Come on, explain it to me. Very good, very good. आपने लगभग सुपर मारियो करने की कोशिश की. बेटा जी मॉलस्का लॉलीगो एक मॉलस्क है. टेरिडो बाइवाल्व है. अगर आपको डाउट हो रहा है बाइवाल्व पिंक टाडा ऑयस्टर स्क्विड्स ऑक्टोपस इट्स अ मैचिंग सेट येस और नो बता दो मुझे. गॉट इट एवरीबडी. आई वांट टू सी योर कमेंट्स देयर ऑन द स्क्रीन प्लीज. वेरी गुड. चलिए आगे बढ़े इसी के साथ. राइट आई होप यू आर ऑल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. वेरी गुड. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स नाउ. इट्स अ बिग क्विज टुडे. बिग क्विजटोपीडिया. डोंट मेक मिस्टेक्स प्लीज. मेटामेरिक सेगमेंटेशन बताइए प्लीज. मेटामेरिक सेगमेंटेशन बेटा जी मेटामेरिक मोलस्का में कहां से आ जाएगी. मोलस्का में तो आप टॉर्शन करेंगे. बट इट्स वेरी गुड मैम ने बोला यू विल डू टॉर्शन. सो इट्स नॉट मेटामेरिक सेगमेंटेशन. व्हाट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन. इट्स अ रियल सेगमेंटेशन वेयर यू कैन आल्सो सी द सेगमेंटेशन इनसाइड. वी विल शो यू द लीडर बोर्ड. डोंट वरी. Platyhelminthes and arthropod. Platyhelminthes have something which is called as proglottids. The segments, they fall off. The smaller segments are close to the neck. The larger ones are away from the body. Yes or no? Say yes, ma'am. You got my point? No. Echinodermata is not metamerically segmented. It's radial symmetry. There are no repeating segments. You see, if you see the worm like this, then these, like these are the metameric segmentations. Right? Yahan pe agar head suckers banayenge, ye. So, ye aapka segmentation proglottids hota hai, beta. Annelids and arthropods. Very good. Metameric segmentation is a characteristic feature of annelids and arthropods. 758 logo mein, 536 one of you have done really well. I'm very, very happy. Good. Can we move on to the next question? Are you enjoying? Proglottids, worms may segments in Platyhelminthes, in Tenia solium, the segments are called Platyhelminthes. Mujhe khat bana do, kanjus, makhi, chus, abhi light chahiye mujhe, chalo. Bohat shaitan bhi biotonians hai, maine kabhi nahi socha tha, itne shaitan, abhi ke abhi, chaliye. Itne kanjus, makhi, chus, bachche hai mere paas, main bata nahi sakti. Mujhe to prize milna chahiye, maximum kanjus bachche kahan hai? We biotonic par hai, chaliye. Two
common characters found in centipede, cockroach and crab? Very good, choosy questions for you. The two common characters found in centipede, cockroach and crab. Right? What are the characters? Tell me, please. Are they book lungs and antennae? Compound eyes and anal cerci? Jointed legs and chitinous exoskeleton? Green glands and trachea for respiration? You have to talk about centipede, cockroach and crab. Green glands are basically found in aquatic organisms. Anal cerci is only found in cockroaches. Book lungs is basically scorpions. Right, crabs basically book lungs नहीं होगा cockroach में. Cockroach के पास तो trachea होगा. Trachea, spiracle and trachea, no book lungs. Very good. So all of them will have jointed appendages and a chitinous exoskeleton. How many of you were there for the video lecture? अगर आपने arthropoda का video lecture देखा था तो आपको याद होगा. सच में हाथ बना दीजिए. अगर आपने मेरे साथ arthropoda का video lecture देखा था तो आपने देखा होगा सबसे पहले उसमें legs की बात की गई थी और you remember कैसे वो अपने chitinous skeleton से बाहर निकल रहा था. So इन दोनों properties पे I had discussed in detail in the video lecture. You just had to remember this. It's a AIIMS 2015 MCQ. Next question on your screens, please. Yes, jointed appendages as well as chitinous exoskeleton. What is, I've always drawn it, always I've told you, the eye is present over a stalk. What is the stalk called? I've told you this stalk. On my screens, please. Guys, are you making sure you're becoming a part of We Biotonic? Are you liking? Are you sharing? Are you subscribing to our channel? On my screen, what is the answer? Look at this now. Look at this. It is called as beta G. If the eye can be called as somatidia. Achha, mujhe aap batao, maine aapko osphoridium bataya. Kya hota osphoridium? Maine aapko osphoridium bataya. Aap mujhe osphoridium kya hota batao. Chalo. कितनी बार मैंने बोला, what is the definition of osphoridium? It is near the gills. It's an olfactory organ which is present close to the gills. It's an olfactory organ. We've discussed this in class 2020. अगर आप लोग देख रहे हो 2022, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो. I am extremely proud of you, my 2022 batch. But ये जो 2020 के naughty बच्चे हैं, इनकी आज होनी है पिटाई. Operculum is the flap of the gills, right everybody? The flap of the gills is called as operculum. अब आप मुझे बताइए, what is ostractum? चलो. Ostractum. Chalo, come on, good children. Chale, 2020 mere bachche bataiye. Ostractum. Ostractum. Bata dijiye. Nobody knows. It's basically taken from the word which means to remove. It's basically for removal of ostracization, removal of an organism from a group of social insects. It is basically removal of an organism from a group of social insects. Ostracism word se ostractum bana hai. Removal from a group of social insects. It's usually used in termites. It's used in bees. Whenever there are social insects, we've talked about social insects. So, omatophore bana. Agar aapko answer nahi pata tha, no problem. Nahi pata tha answer. Aapko word omatidia pata tha, omatidia eye. Humne word padhaya aapko omatidia. So, the eye is, the stalk is called as omatophore. Aapko sporangiophore pata hona chahiye tha, fungal stalk. Fungal stalk, sporangiophore. Sporangium under spores honge, endospores. You know the word sporangiophore. This is how you deduce the answer in the examination. Learn this. 2022, aap thoda aaram se seekhe. 2022, aap jaldi seekhe. Divya, you will do very well. You are my favorite student. 4 is equal to stock. Very good, Darshini. Divya, you will do very well and together we will celebrate tomorrow.
कॉलोनियल, अभी हमने बात कर ली कॉलोनीज की, दो सेकंड पहले टर्म और डिफाइन इट फॉर मी कॉलोनियल इंसेक्ट्स. इज इट अ बेड बग, इज इट व्हाइट एंट्स, मॉस्किटोज और लोकस्ट्स? डू लोकस्ट फॉर्म कॉलोनीज? डू दे? कॉलोनियल इंसेक्ट्स. और आर यू कंफ्यूज बिटवीन टू ऑप्शंस? Do they swarm or do they form colonies? My dearest children, that means you don't even read bio and you don't even read newspapers. They don't form colonies. They form something which is called as swarms. It's an English word. Colony nahi banate hain. They form flying things. Yes? Is it clear? They're swarming insects. आपने ये वर्ड न्यूज़पेपर में सुना है, स्वॉर्म्स ऑफ लॉकस्ट अटैक कर रहे हैं. कभी किसी न्यूज़पेपर को लिखते हो सुना कॉलोनी आ गई जी लॉकस्ट की? नहीं, मॉस्किटो कोई कॉलोनी नहीं बनाता, बेडबग कोई, एंट्स, बीज, टर्माइट्स, इनकी कॉलोनी होती है. कॉलोनी वो होती है जहां पर काम असाइंड होता है, वर्क असाइंड होता है. आप ये करोगे, वर्कर बीज ये काम करेगी, फॉरेजर बीज ये काम करेंगी, क्वीन भी ये काम करेगी. लोकस एक ग्रुप होता है, बट वर्क इज नॉट असाइन, ग्रुप होता है. आप ठीक बोल रहे हो, बट इज द वर्क असाइन? आप एक काम करना, आप खाना खाना, आप एक काम करना, आप खाने को डाइजेस्ट करके बच्चों को खिलाना. वर्क का कोई असाइनमेंट नहीं होता, ये सब एक साथ चल रहे, बट वर्क का असाइनमेंट बिल्कुल नहीं है. नहीं, नॉट एट ऑल. सी यू आर लर्निंग, मैं हमेशा एक वर्ड बोलती हूँ, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए. इसीलिए भी बायोटॉनिक बने. टेंशन मत लीजिए, सीखने को तो मिल रहा है, हार्ट्स बना दीजिए. एटलीस्ट यू आर लर्निंग. हैव यू एवर सीन सच अ काइंड ऑफ क्वेश्चन? एवरीवेयर यू आर लर्निंग, राइट? आपकी नॉलेज टेस्ट होगी एग्जाम में. ये अभी आप 2020 वाले थोड़ी बहुत नॉलेज टेस्ट कर लीजिए. बाकी बच्चे कम विद ओपन माइंड, कम लर्न, इंजॉय, राइट डाउन, मेक नोट्स. दिस इज अ क्लासरूम. मैं आपके टीचर हूं, मैं आपको जज नहीं कर रही हूं. नंबर वन, मुझे बिल्कुल भूलने की याददाश्त नहीं है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मुझे एक एक बच्चा याद रहता है. और आके पढ़ो यार बच्चे, एंजॉय करो, पढ़ाई करो. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. एंट्स, बीज, टर्माइट्स आर सोशल इंसेक्ट्स बिकॉज देयर इज हायरकी. क्वीन है, वर्कर है, हायरकी है, राइट एवरीबॉडी? चलिए अगले सवाल में चलते. Understood everybody? So there is a level. That's a level is there. In different levels are there. It's not only a group. It's a group with level. I have used this word so many times. So many times when I was teaching you. Subdivision of platyhelminthes. What is it? Trematodes, flatworms, cestodes, nematodes. Are free living what? Beta. They are free living flat worms. Right? So, platyhelminthes ka subdivision hai. Nematoda ka nahi, cestoda ka nahi, trematoda ka nahi. It is turbellaria, animalia, platyhelminthes, flat worms. राइट एवरीबडी, फ्लैट वर्म्स. अब याद करो जब मैंने आपको वीडियो दिखाना शुरू किया था फ्लैट वर्म्स का, तो कितना प्यारा सा वर्म देखो, ऐसे 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 करता हुआ पानी में जा रहा था, याद है? दैट वॉज अ टर्बल एरिया. याद आया? यस, जुगेसिया प्लांट. याद करो एक ऐसे 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 करता हुआ कितना प्यारा था. आज घर जाना, वीडियो देखना जो नहीं देखे, और पिट्टी खाना अगली क्लास में आके. It is flatworms. They are free living. They are not nematodes. They are not cestodes. They are not trematodes. And to my dearest class 11, आप सोच भी नहीं सकते कि आपका level already कितना ज़्यादा high चला गया है. We've already finished 3 or 4 chapters. And what I'm going to start with you, I'll just give you a hint. What I'm going to start with you in the next 1 week is going to be landmark. Nobody on YouTube has done anything like that, which is in the planning stage, or maybe not in the planning because the planning has been done execution stage of class 11th. Right? So come on class 11th, ye 2020 walon ki to pitai hone wali hai. They are flatworms. Turbellarians are flatworms. Chaliye agle sawal pe.
So see, this is a aankhe kholo quiz. Jago grahak jago quiz. Ma'am ne sab padhaya par hum padhte hi nahi hai. Characteristic larva of sealant traitor. What is the larva of sealant traitor? Bata dijiye. Sare larva maine aapko class mein karwaye hain. Planula. Free living hota hai, bata deti hu. Jellyfish, coral, sea anemone ka hota hai. पूरी बॉडी में सीलिया होता है. प्लैनुला होगा सिस्टिसेरस रैपिडिटीफॉर्म रेगुलर. थैंक गॉड. सिस्टिसेरस किस में होता है? टीनिया सोलियम. टीनिया सोलियम टेपवर्म लिखिए प्लीज. सिस्टिसेरोसिस इज द डिजीज विच हैपन्स. सिस्टिसेरोसिस रैपिडिटीफॉर्म लार्वा किसका होगा बता दो प्लीज मुझे. Is it clear? Filarial worms. मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए. Cystiform larva आपके टीनिया सोलियम टेपवर्म का होगा. The disease is called as cysticercosis. Tinea solium tapeworm larva. Rhabditiform larva is filarial worms. Filarial worms. It causes filariasis. It causes elephantiasis. What rhabditiform larva? What is the regular larva? ऐसे ऐसे करते हुए आपने देखा होगा. बता दीजिए मुझे regular larva. इसमें तो गलती मत कीजिए please. इसकी चलो मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी क्योंकि मेरे घर में पॉन्ड है तो मुझे हर रोज इनको निकालना पड़ता है विद नर्व नेक. इसकी मैं आपको फोटो भेजूंगी. अगर आपने पक्षियों के लिए पानी भी रखा होगा गर्मियों में तो थोड़े दिन बाद मैं पानी जब चेंज करती हूँ और बर्ड्स जो पानी हमने रखा है उसमें भी रेगुलर लार्वा आ जाता है. रेगुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसी ऐसी मूवमेंट करता है ना. आपने देखा होगा बच्चों. यस एवरीबॉडी चलिए आ जाइए. सो दिस इज फॉर टेपवर्म. दिस इज फॉर फाइलेरियासिस व्हिच आई टीच यू ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. और ये रहा मच्छर. चलिए प्लैनुला लार्वा होता है आपके आंसर द सीलेंट ट्रेटर का. चलिए अगले सवाल पे आंसर सिलेक्ट कीजिए. फोटो होनी चाहिए थी. मुझे पता आप लोग कुछ तो आंसर कर रहे होगे है ना. और क्या आंसर कर रहे हो मुझे भी नहीं पता चल रहा. मुझे लग ही रहा था फोटो होनी चाहिए थी पर कुछ तो आंसर कर रहे होगे पक्का. कुछ इतने स्मार्ट है इनको नासा में भेजना चाहिए अभी. बायोटोनिक्स को इनसे स्मार्ट कोई नहीं हो सकता. देखते आधे लोग ठीक भी करेंगे. मुझे लगता है वी बायोटोनिक्स से सीधा नासा पता लगाए. इसरो नासा भेजे आधो को इसरो आधो को नासा. देखिए जो मेरे तो और बनो बहुत जाने से कुछ बना होगा. कुछ फोटो होगी. फोटो हमसे डली नहीं है. कुछ गड़बड़ होगी पर देख लीजिए. इसे कहते हैं ये है असली वी बायोटोनियंस. शूरवीर महावीर महा इंटेलिजेंट. यस देश के कोने कोने में फैले हुए असली वी बायोटोनियंस. बिना क्वेश्चन के भी सही जवाब देने वाले. चलिए अगले सवाल पे. ओ माय गॉड इतने स्मार्ट बच्चे मेरे पास. What is true about Neri, scorpions, cockroach and silverfish lepisma? Bataiye. They all possess dorsal heart. None of them is aquatic. They all belong to the same phylum. They all have jointed paired appendages. Chali, we've reached the halfway mark. On your screens. On your screens. Come on, guys. And guys, are you liking, sharing, subscribing We Biotonic? Come on, Pile Girl, Glazar, everybody, bataiye answer. What is true? They all possess dorsal heart. None of them is aquatic. क्यों? क्यों aquatic नहीं है? Right? Neris. They all belong to the same phylum. No. They all are jointed and paired appendages. No. Not possible. They all possess dorsal heart. Paired नहीं है. Unpaired appendages. Scorpion tail. Unpaired. They don't have paired appendages. They all have a dorsal heart. What did I tell you? As we go higher, the heart is ventral. As we go lower, the heart is dorsal. They are not lower. They have a dorsal heart. They have a dorsal heart. Understood? Yes, Prasad Kharat. Yes, 12th new term कब स्टार्ट होगा श्रुति जी? 12th का तो रोज 12 बजे क्लास होता है. चलिए अगले सवाल पे बच्चों. हायर ऑर्गेनिजम्स हैव अ वेंट्रल हार्ट मैचिंग पेयर ऑफ बॉडी फीचर.
पोस्ट एनल टेल इज ऑक्टोपस में प्रेजेंट होता है, वेंट्रल हार्ट स्कॉर्पियन में होगा, फैरेंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट इन एम्ब्रियो कैमेलियन और गिरगिट, वेंट्रल नर्वस सिस्टम इज लीच. मैचिंग पेयर ऑफ बॉडी फीचर बताइए. Thank God you answered. Thank God. They have a dorsal heart and a ventral central nervous system. We have a ventral heart and a dorsal nervous system. So I repeat everybody, please listen to me very carefully. We have a ventral heart and a dorsal hollow nerve cord. They have a ventral central nervous system, that is what I told you just now, and a dorsal heart. Is it clear? Ventral nervous system hai. Pharyngeal gill slits are absent in embryo. No. Is a matching pair. Ventral heart nahi hoga. Ventral heart higher organisms mein hota hai. Octopus ke paas post anal tail nahi hoti. Post anal tail is a chordata feature. Chordate feature hai. Octopus ke paas kaise aa jayega? This is an easy question. Oh Divya, you will do very well and I want to get a good percentage tomorrow. Jo aapka zarur aayega. Chaliye bataiye. No worries Kritika, don't worry. No worries Payal. Come on Payal, Hetvi, Shruti, Akku, Sudhakar, answer kijiye. Crocodile ke paas kya hota hai? It is an exception. सी अर्चिन क्या करता है, ओबेलिया क्या करता है, थीकोडोंट किसके पास होता है, थीकोडोंट इज रिस्पेक्ट टू टीथ. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सो आप बताइए क्रोकोडाइल क्या करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ओबे यस सी अर्चिन पैरापोडिया गलत है बच्चों, क्रोकोडाइल के पास फोर चेंबर हार्ट होता है बिल्कुल ठीक है, ओबेलिया मेटाजेनेसिस करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिल्कुल ठीक है, सी अर्चिन के पास पैरापोडिया नहीं होता, नहीं नो पैरापोडिया, राइट एवरीबॉडी. लीमूर इज थीकोडोंट वेयर द टीथ आर एम्बेडेड इन द जॉ. लीमूर क्रोकोडाइल हैज फोर चेंबर, इट्स द ओनली रेप्टाइल टू हैव फोर चेंबर्ड हार्ट, द ओनली रेप्टाइल, इट्स एन एक्सेप्शन. वेरी गुड हेतवी एंड वेल डन एवरीबॉडी एल्स. चलिए अगले सवाल पे. वेल डन, आपकी परफॉर्मेंस आज की बहुत अच्छी है. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड टू सी द लीडर बोर्ड. चलिए बच्चों गुड. Which form of reproduction is correctly matched? Euglena, does it a transverse binary fission? Paramecium longitudinal? Amoeba multiple fission? Plasmodium binary fission? Only one. Which form of reproduction is correctly matched? Plasmodium? Multiple fission or binary? Amoeba, binary or multiple? If it's multiple, it should have been written something. What should have been written? Yes? Very good. यहां पे उल्टा कर दिया है. Yes, everybody, उल्टा कर दिया है. Have they done? Plasmodium is multiple fission. Yes or no? इसे कहते हैं वाणी मैम का कमाल रजनी जी. Thank you. Yes. थोड़ा सा सुपर मारियो करने की कोशिश की. मल्टीपल फिशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा प्रोटीज करेगा, इट विल डू. वेरी गुड वेरी गुड. चलिए रिमोट कहा है, गुड. एंड बच्चों एनिमल किंगडम टफ है, मैं आपको सारा रिवाइज करवा दूंगी. आई विल गिव यू निमोनिक्स, इसका क्वेश्चन बैंक सीरीज शुरू होने वाला है. बट यस प्लीज रीड, आप सारे लेक्चर्स एक बार जाके दोबारा देखिए. ऑल द क्वेश्चंस क्विस्टोपीडिया जो मैंने इतने सारे आपको कराए हैं, सारे आंसर्स क्विस्टोपीडिया से आएंगे, यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स. चलिए अगले सवाल पे. बेटा लीडर बोर्ड एंड में आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन्स ब्लड वेसल्स आर देयर, बताइए. ब्लड वेसल्स है मतलब. एंड बच्चों केक ऑर्डर कर दो घर में, वी आर गोइंग टू बी वेरी सून 3 लाख मेंबर्स. मुझे सब अपने अपने घरों में केक बेक करेंगे, अपने मॉम डैड के साथ शेयर करेंगे, बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड्स एनालिथ्स प्लैटिहेल्स एंड मॉलस्क्स, बताइए. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड. बेटा आर्थ्रोपोड्स में हीमोसील होती है, हीमोसील ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. In fact, they to have a hemocene.
Platyhelminthes minthus pe no beta, it is not there. Mollusks mein nahi, only annelids are the first ones. Main aapko kitne acche se padhaya tha, aapne to aise kar diya. Galat baat, not done. Maine aapko kitni baar class mein padhaya tha, yes or no? वेरी बैड. मैंने कितनी 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 बार क्लास में करवाया था कि एनालिड्स हैव अ क्लोज, यहां तो हीमोसील, मैंने कितनी बार बोला था हीमोसीलो. प्लैटीहेल्मिंथस डोंट हैव, नो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यू डन दिस, गलत. मॉलस्का में भी नहीं होता, नॉट डन बच्चों. चलिए अगले सवाल पे. हीमोसील ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, लॉक इन की मॉडल कर दिया. बुक लंग्स शेप, मैंने एग्जाम में आपको शेप कराई थी, अपने एग्जाम कह रही हूं. इन माय स्लाइड्स आई हैड शोन यू अ फोटोग्राफ. स्पाइडर्स, व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर प्रेजेंट ऑन द अंडरसाइड, स्मॉल ओपनिंग्स इन द एब्डोमेन ऑफ द स्पाइडर. सीरीज ऑफ हीमोलिम्फ होता है, ऐसे प्लेट की तरह ऐसे लगी होती है, ऐसे बताइए. Something with this shape. And ये photo I had shown you in the slides. Thank God, no beta. Cutaneous respiration, moist skin, book normal lungs, steam media. सारे words मैंने class में कराए हुए हैं. ये word, all of them I've taught in the class. All, each one of them. बताओ. आज तो आप बार 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 नॉट डन. यस, कितनी बार. एंड स्पाइडर्स डन. चलिए अगले सवाल पे. चलो, ना लाइक करते हैं ये बच्चे, ना पढ़ के आते हैं. अगर ये गलत किया तो मैं कर दूंगी पिटी, प्रॉपर पिटी होगी आज. लार्वा ऑफ जेली फिश इज कॉल्ड एज एफिरा. यस एवरीवन, क्यों आप मुझे सुपर मारियो बनाने पे तुले हुए हैं? मैम आइए, ऐसे जंप कीजिए, ऐसे जंप कीजिए, ऐसे कीजिए, फिर आइए. क्यों आप मुझे आज सुपर मारियो बनाने पर तुले हुए हैं? राइट, एफिरा इज द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया. फाइजेलिया मैनोपॉज का नहीं है. मैंने आपको सेम क्वेश्चन करवाया था अभी, बट आई एम हैप्पी, एटलीस्ट यू आर लर्निंग. क्या आप एग्जाम में यही सेम मिस्टेक्स करेंगे? बता दीजिए, क्या आप एग्जाम में यही सेम मिस्टेक, नहीं ना, एटलीस्ट उतना तो नहीं करेंगे. सीआरपीएन 2020 में तो आप लोगों के लिए भी बहुत. आर यू गोना मेक द सेम मिस्टेक्स इन द एग्जाम? नो मैम. सो आपको याद रहेगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. नो, पक्का. आज शाम को मेरे टेलीग्राम आईडी पे आपके एनिमल किंगडम के नोट्स शेयर हो जाने चाहिए. हो जाएगा? प्रॉमिस कर दो, प्रॉमिस. आज शाम को मेरी टेलीग्राम आईडी पे आप सबके नोट्स शेयर हो जाने चाहिए. परफेक्टो, पक्का, प्रॉमिस. चलिए अगले सवाल पे. ओके शिता, वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स, वन having a single opening to the outside, nine-sided body plan that serves as both mouth and anus, fasciola hepatica, ascidia, asteria, or starfish, octopus. Blind sac body plan. Blind sac body plan.
बेटा जी एस्टेरियाज, मैंने आपको मैडिरोपोराइट करवाया है, एनस अलग होता है, स्टारफिश ऑक्टोपस में बिल्कुल नहीं होता, एसिडिया एकॉर्नवर्म बैलेनोग्लॉसस हेमिकॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा कॉर्डेट के पास पहुंच के अभी तक आपने एक ही माउथ बनाया हुआ है, बता दो। फिशुला हेपेटिका लोअर ऑर्गेनिजम्स, आज तो कर दिया जाए इनकी मम्मियों को फोन। फिशुला हेपेटिका, एसिडिया नो, एस्टेरिया स्टारफिश नो, ऑक्टोपस नो, ये तो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना बच्चों? श्वेता पायल सेवियर नेहा देवदत्त, चलिए अगले सवाल पे। टेक केयर नारुतो, डेवलपमेंट ऑफ माउथ लेटर देन द एनस, दैट मींस एनस पहले बन रहा है, इज इट ब्रेकियोस्टोमैटिक शीजोस्टोमैटिक ड्यूट्रोस्टोमैटिक प्रोटोस्टोमैटिक? यू नो प्रोटोस्टोम्स ड्यूट्रोस्टोम्स, प्रोटो पहले, स्टोम इज माउथ, ड्यूट्रो सेकेंड, पहले कौन बन रहा है? कम ऑन एवरीबडी, वेरी गुड, यू गाइस आर डूइंग वेल, यू गाइस आर डूइंग वेल ऑन माय स्क्रीन्स, गुड बच्चों। ड्यूट्रो सेकेंड, पहले माउथ प्रोटोस्टोम, प्रोटो फर्स्ट माउथ, सेकेंड माउथ ड्यूट्रोस्टोम्स, मैम ने बोला फाइनली, आपने मुझे मैम ने बोला कर दिया फ्रॉम सुपर मारियो। एनिमल्स डिवॉइड मींस देयर इज नो रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, देयर आर नो, यार ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैंने क्लास में कराई है, अब खाओगे पिट्टी। लिवर फ्लूक, फेशियल हेपेटिका, थ्रेड वर्म्स, स्पॉन्जेस, टेप वर्म्स, डूइंग वेल डूइंग वेल डूइंग वेल, कम ऑन ऑन माई स्क्रीन्स। डिवॉइड दे डोंट हैव रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी सर्क्युलेटरी, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक गॉड। वॉट आर वास्कुलर सिस्टम? सेल्यूलर टाइप, दे जस्ट हैव सेल्यूलर टाइप, सीलन डेल्टा से तो शुरू होगा आपका टिश्यू लेवल, थैंक गॉड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आई एम हैप्पी, अच्छा कर रहे हो, लास्ट के दो क्वेश्चन में बहुत अच्छा किया है। स्पॉन्जेस और सिलिंड्रेट्स, हाउ डू दे रिजेंबल ईच अदर? मोनोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट, दो लेयर्स होती है, डिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन जर्म लेयर्स, एक्टोमीसो एंडो एंड एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सूडोसिलोमेट, वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फर्स्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम, फर्स्ट क्लास। देवेंद्र ऑल वेल, पहली क्लास पे डिपेंडेंट है, फर्स्ट क्लास को भी मैंने रिवाइज करवा दिया क्विस्टोपीडिया में। टू जर्म लेयर्स, थ्री जर्म लेयर्स, वन जर्म लेयर, प्योर मैम ने बोला दे आर डिप्लोब्लास्टिक, दैट मींस दे हैव टू जर्म लेयर्स एंड नो सीलो, मोनोब्लास्ट नहीं है, एक्टो एंड एंडो, देयर इज नो मीसो, देयर इज नो सीलो, गुड। फाइनली लास्ट के कुछ क्वेश्चन में बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किया, आई एम सो हैप्पी। कटियार, पुंगोलू, श्रवणी, इंद्राणी, जोहाना, हर्ष, ओ हर्ष आई विल डू दैट, अनुज, रिया एंड विकास भी, रिया मोहन जी वेल डन। हर्ष आप एक बार मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे आप मिल ही नहीं रहे हो, तो मैं आपको अनलॉक कैसे करूं? सोनम वेल डन, पुंगोलू, श्रावणी थैंक यू एंड वेरी वेल डन, ऑल फोर ऑफ यू वेल डन। बच्चों ये कौन सा बच्चा था जो छुप गया, एंड ये वाला बच्चा, एंड देन वी हैव हर्ष, अनुज, रिया एंड विकास, वेरी वेल डन। सिमिलरली इन लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम ओनली बाय स्टडिंग आई विल टेक अ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्विज, दीज क्वेश्चंस वर वेरी गुड, आप क्वेश्चंस को दोबारा घर जाके जरूर सॉल्व कीजिएगा। आई विल सी यू शार्प एट 9 o'clock फॉर अ क्विज ऑन जेनेटिक्स, डोंट मिस द क्वेश्चन बिकॉज दे आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर अमेजिंग चैनल, आई विल सी यू शार्प एट 9 o'clock।